हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज शुभम फ्रॉम शुभम कंप्यूटर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप अलाइनमेंट सेटिंग करते हैं। बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आया था कि हमें एक अलाइनमेंट अच्छा सेटिंग करना बताइए, तो आज की इस वीडियो में हम आपको अलाइनमेंट सेटिंग करना बताते हैं। तो चलिए, ज़्यादा देर न करते हुए आज के क्लास को करते हैं स्टार्ट और आपको ईजी और अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो सबसे पहले अलाइनमेंट सीखने के लिए या तो हम टेक्स्ट ले सकते हैं या तो हम लोग आज एक शेप से सीखते हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हो गया एक शेप और यहाँ पर आप एक कोई इस तरह का शेप ले लेते हैं समझने के लिए। इसमें यहाँ से आप कोई कलर फिल कर देते हैं और इनको समझने के लिए अलाइनमेंट सेटिंग के लिए कुछ चीज़ें आपको लिखनी होती है। जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ अलाइनमेंट सेटिंग। इसमें हम क्या कर देंगे, तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं टॉप। टॉप के लिए आप यूज करेंगे टी और बॉटम के लिए आप यूज कर लेते हैं बी और सेंटर के लिए आप यहां से टाइप कर देते हैं सी और वर्टिकली सेंटर के लिए आप यहां से ले लेते हैं ई और उसके बाद यहां पे टॉप बॉटम सेंटर और वर्टिकली सेंटर होने के बाद लेफ्ट के लिए यूज कर सकते हैं एल और राइट साइड करने के लिए आप यहाँ से यूज करेंगे आर। और एक सेंटेंस आता है, इसको हम लोग देखेंगे लास्ट में, हम बताएंगे शिफ्ट ई और शिफ्ट सी का यूज, तो जिससे आप इजीली चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस अलाइनमेंट सेटिंग में हम इन सब प्रोसेस को जानेंगे। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कितना इजी और सिंपल वर्डिंग में हमने चीज़ों को लिखा है। तो सबसे पहले हमको यूज करना होता है तो कैसे यूज करते हैं, एक बॉक्स यहाँ ले लेते हैं, एक बॉक्स यहाँ। अब ये समझाने के लिए हमने दो बॉक्स लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अलाइनमेंट जिसमें सेटिंग करना है आपको, टॉप बॉटम या जैसे भी आपको इस्तेमाल करना है, उसके लिए पहले इस जो इलिप्टिकल टूल के द्वारा एक शेप लिए हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के यदि इसमें अलाइनमेंट करना चाहते हैं या इसमें, तो इस पर आप क्लिक करेंगे। देखिए, यदि आप इसको शिफ्ट से क्लिक करेंगे तो इसमें ही आप अलाइनमेंट दे सकते हैं, इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो भी नियम होता है सिलेक्शन के ऊपर ही निर्भर करता है। अब यहाँ पे टॉप पे करना है तो हम यहाँ से टी करेंगे, तो ये देखिए ये आपका टॉप चला गया। बॉटम करना है तो बी करेंगे, सेंटर करना है तो सी किया आपने, वर्टिकली सेंटर करना है तो ई कर देते हैं। अब लेफ्ट ले जाना है तो एल करेंगे और राइट करना है तो आर। तो देखा दोस्तों, ये कितना 2 मिनट का काम था आपको ये अलाइनमेंट सीखने के लिए। इसी प्रकार से आप सी ई टी बी एल आर का यूज करते हुए अलाइनमेंट सेट कर लेंगे। अब जैसे यदि एक बॉक्स हम यहाँ पे इसे छोटा कर देते हैं और कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं, यहीं से कोई वर्ड हम लोग लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं वाराणसी, और यहाँ पे इनके साइज़ को शिफ्ट से हम और ऐसे बड़ा कर देते हैं और कोई कलर येलो आप यहाँ पे कर देते हैं। फिर आपको क्या करना है, इसके सेंटर में पूरे टेक्स्ट को रखना है, तो शिफ्ट दबा कर इन्हें आप करेंगे सेलेक्ट। फिर यहाँ पर क्या है, सेंटर करने के लिए सी और वर्टिकली सेंटर के लिए ई यूज करेंगे। तो देखा दोस्तों, ये कितना आसान था आपको एक अलाइनमेंट के विषय में जानने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये अलाइनमेंट सेटिंग आपको क्लियर और अच्छे से समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं शिफ्ट सी और ई का, तो इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ से एक बॉक्स इस तरह से ड्रॉ कर लेते हैं और फिर यहाँ पर इस तरह से ला के मान लेते हैं, किसी में गैपिंग कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में बहुत ही क्लोज है। अब इनको हम चाहते हैं एक ही साइज़ में, एक ही थीम से और एक ही तरह से गैपिंग सब में आ जाए, इनमें कोई अलग अलग कलर फिल कर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये कितना आसान है कि आपने यहाँ पे इसे इस तरह से कर लिया। अब आपको यूज करना है शिफ्ट सी और ही, फिर हम लोग सेंट्राइज कर देंगे। इन्हें इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेते हैं, शिफ्ट सी दबाते हैं तो पूरा मैटर एक रेशियो में गैपिंग सेट कर लेता है, शिफ्ट ई करते हैं तो ये वर्टिकली सेंटर भी हो गया। अब केवल एल सी या जो भी आप प्रेस करते, तो हमें ज़्यादा आपसे कहूँगा कि आप सी यूज करें, केवल नॉर्मल सी आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ये देखिए इस तरह से सभी मैटर क्या हो गए, एक अलाइनमेंट, एक सेंटर, एक गैपिंग में सारे के सारे मैटर आपके सेट हो गए। तो उम्मीद करते हैं आज के इस क्लास में आपको अलाइनमेंट सेटिंग समझ में आया। आप इस चैनल से जुड़े रहें और सीखते रहें, आगे भी अपने प्यार इस चैनल के साथ बनाए रखें और कमेंट में और भी नई चीज़ों को जो आप सीखना चाहते हैं आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में और भी नए जानकारी के साथ। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, जीवन में आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।